हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोड़े की सब्जी। इसे कोला भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम हैं इसके। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है और ये कई प्रकार से भी बनाई जाती है। कई जगह पे लोग इसमें चीनी डाल के भी बनाते हैं, कई जगह लोग इसको खट्टा अमचूर और आमी डालकर भी बनाते हैं, और कई लोग इसको दोनों तरीके से बनाते हैं, चीनी भी डालते हैं इसमें और खटाई अमचूर भी डालते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने तरीके से, तो आप देखिए। अब मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसी के साथ यहाँ पर जब मैं इसे छौंकूंगी तो मुझे मेथी दाना चाहिए, तो यहाँ मैंने मेथी दाना ले लिया है। 2 लाल साबुत मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, हींग लिया है और 3-4 हरी मिर्च ली है। इसी के साथ हमें मसाले चाहिए होंगे, तो मसालों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी कद्दू की सब्जी। कद्दू को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है और जो इसके अंदर का गुदा था जिसमें बीज रहते हैं उसको मैंने ये अलग निकाल दिया। इसको मैं नहीं डालूंगी। चलिए बनाते हैं। गैस पे तेल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। ये गरम हो चुका है, सरसों का तेल लिया है मैंने। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। ये जो हींग ली थी इसको भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2 साबुत लाल मिर्च, इसी के साथ मैं डाल दूंगी हरी मिर्च जिनको मैंने 2 भाग में कर लिया है, और ये प्याज इसको भी डाल दूंगी। सुनहरा होने तक हमें प्याज को भूनना है। यहाँ पर देखिए प्याज जल्दी से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल देंगे। एक दो मिनट हमें और प्याज को अभी इस पर चलाना है। यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन चुका है, अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर माफ कीजिएगा, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर चलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ कद्दू। इसमें डाल दिया मैंने, अब डालूंगी मैं 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। नमक हम पहले डाल चुके हैं इसमें, तो हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं हो जाए, स्वाद अनुसार हम इसको चला देंगे। सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिला दिया है इसमें। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। ये ढक दिया है मैंने, फिर देखते हैं बाद में। सब्जी देख लेते हैं। बन चुकी है सब्जी, गैस कर देंगे बंद। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये सब्जी, निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने बाउल में निकाल लिया है सब्जी को, और ये कद्दू की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है देखने में।
जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में अच्छी लगती है। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और आप बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, और एक बार आप बनाइए प्रभु, और मेरे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।